स्वाति मालीवाल का नया वीडियो आया सामने, केजरीवाल के घर से बाहर जाते हुए आ रही है नजर। वीडियो में नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी वही है जो पहले एक अन्य वीडियो में स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। बाहर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस अधिकारियों से बात करती हुई भी नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का 13 मई की सुबह का वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल घर के मेन गेट के बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें एक महिला सुरक्षा कर्मी ने पकड़ रखा है और बाहर की ओर ले जाती हुई भी नजर आ रही हैं। वीडियो को देखते हुए पहली नजर में स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक लग रही हैं। महिला पुलिसकर्मी से वह अपना हाथ भी छुड़वाती हैं। वीडियो में नजर आ रहे सुरक्षा कर्मी वही है जो पहले एक अन्य वीडियो में स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। बाहर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस अधिकारियों से बात करती हुई भी नजर आ रही हैं। स्वाति ने FIR में वैभव पर लगाए हैं गंभीर आरोप। स्वाति मालीवाल ने अपने FIR में आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री आवास पर गई तो वैभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं ने उन्हें लात मारी, घूंसा मारा और दुर्व्यवहार किया। 39 वर्षीय महिला ने यह भी कहा कि उनके कपड़े फट गए थे और हमले के दौरान उनके सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई चोट आई है और वह खुद को महिला पुलिसकर्मी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का 13 मई की सुबह का वो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल घर के मेन गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें एक महिला सुरक्षा कर्मी ने पकड़ रखा है और बाहर की ओर ले जाती हुई भी नजर आ रही है। वीडियो को देखते हुए पहली नजर में स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक लग रही हैं। महिला पुलिसकर्मी से वह अपना हाथ भी छुड़वाती हैं। वीडियो में घर के बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं स्वाति। आंखों के नीचे और पैर में चोट। स्वाति मालीवाल की मेडिको लीगल रिपोर्ट आई सामने। स्वाति मालीवाल के खिलाफ केजरीवाल के PA के गंभीर आरोप। जाने शिकायत में क्या क्या कहा। अरविंद केजरीवाल के PA ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल के PA ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो में नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी वही है जो पहले एक अन्य वीडियो में स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास के बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। बाहर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस अधिकारियों से बात करती हुई भी नजर आ रही हैं। स्वाति ने FIR में विभव पर लगाए हैं गंभीर आरोप। स्वाति मालीवाल ने अपने FIR में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास पर गई तो विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं ने उन्हें लात मारी, घूंसा मारा और दुर्व्यवहार किया। 39 वर्षीय महिला ने यह भी कहा कि उनके कपड़े फट गए थे और हमले के दौरान उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सीसीटीवी फुटेज से खड़े हो रहे हैं सवाल, लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई चोट आई है। वह खुद को महिला पुलिसकर्मी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। स्टाफ ने कहा कि CM केजरीवाल उनसे थोड़ी देर में मिलेंगे, तब तक ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार करें। FIR के मुताबिक स्वाति इंतजार कर रही थी कि अचानक विभव कुमार वहां आए और उन पर चिल्लाने लगे। स्वाति का आरोप है कि विभव कुमार ने बदसलूकी की, उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पेट और सीने में लात मारी जिसका सिर सेंट्रल टेबल पर दे मारा। इस दौरान उनकी शर्ट के बटन खुल गए, वो किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई, फिर 112 डायल किया। कुछ देर बाद लोकल पुलिस और SHO अपनी टीम के साथ CM आवास के पास पहुंचे। पुलिस ने बताया कि प्रोटोकॉल की वजह से पुलिस CM आवास के अंदर नहीं गई। घटना के तीसरे दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम ने स्वाति मालीवाल के करीब 4 घंटे पूछताछ की और FIR दर्ज किया। अभी के लिए बस इतना ही। इस घटना से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।